नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सावलिया और आप देख रहे हैं अभिषेक होम्योपैथी। तो फिर से मेरे एक नए वीडियो में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है कैलेंडुला ऑइंटमेंट या कैलेंडुला क्रीम। इसे फर्स्ट एड क्रीम भी बोला जाता है, मतलब कि ये जो है चोट के लिए या घाव के लिए बहुत ही रामबाण दवा बोली गई है। तो ये क्या है, ये कैसे बनता है, इसे किधर किधर हम फायदे ले सकते हैं, दवाई के लाभ ले सकते हैं, ये पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैलेंडुला के बारे में हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो क्रीम है कैलेंडुला का, वो कहाँ बनता है। तो ये जो क्रीम है वो सूर्यमुखी जो फूल है या सनफ्लावर जो फूल है वहाँ से बनाया जाता है। आपको तो पता ही रहेगा कि जो सूर्यमुखी या जो सनफ्लावर फूल है उसका तेल भी बनाया जाता है। तो मतलब कि ये जो क्रीम हुई कितनी ज़्यादा नेचुरल हुई, हर्बल हुई हमारे बॉडी के लिए। तो ये था कैलेंडुला के बारे में कि कहाँ से बनता है। अभी उसके यूजेस के बारे में बात करें कि कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते। तो सबसे पहला जो यूज़ है वो है एंटीसेप्टिक के लिए हम ये क्रीम यूज़ कर सकते। मतलब कि मान लीजिए कि मैं समझो गिर गया हूँ, गिरने के बाद मुझे यहाँ पे चोट लगी है, अगर वही चोट पे मुझे वहाँ पे पस बन रहा है, तो वो पस ना बने उसके लिए हम ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा उसका यूज़ है वो है बर्न्स के लिए बर्न्स मतलब कि मान लीजिए हाथ जल चुका है, थोड़ा सा हिस्सा कुछ जल चुका है या फिर पूरा हाथ जल चुका है, तो मोस्टली हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि बर्फ़ लगाते हैं वहाँ पे, जिससे हमें गर्म ना लगे। तो जो दूसरा मोस्ट यूज़ जो दवाई है क्रीम है वो है कैलेंडुला क्रीम, जो कि हमें जहाँ पे भी जला हुआ है वो इससे पे हमें लगा देना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और ये तीसरा जो कारण है हमें क्यों यूज़ करना चाहिए इसके सिम्टम्स के द्वारा, तो वो है घाव। किधर भी घाव लगे गिरने के बाद, तो वहाँ पे किधर भी कट लगे, चाकू से लगा हुआ या कोई भी ऐसी धार वाली चीज़ जिससे हमें घाव लगा है हमारे बॉडी में, वहाँ पे हम ये क्रीम लगा सकते। तो दोस्तों, ये थे इसके यूजेस कि हमें कैलेंडुला कहाँ कहाँ यूज़ करने चाहिए। अब इसके प्राइसेस के बारे में बात करूँ, तो ये जो क्रीम है SBL कंपनी का, ये कोई भी कंपनी हो, पर मोस्टली होम्योपैथी में SBL यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इसका जो प्राइस है वो 50 to 60 rupees प्राइस है, और ये आपको कोई भी नियरेस्ट मार्केट में भी मिल जाता है। और एक बात करें तो कोई भी पैथी ले लो, एलोपैथी ले लो या होम्योपैथी ले लो या यूनानी ले लो या आयुर्वेदिक ले लो, हर कोई जो डॉक्टर है मोस्टली यही क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं कैलेंडुला, जिससे घाव बहुत अच्छे से भर जाते हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा रहेगा कि जो मोस्टली जो डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने के बाद जहाँ पे भी स्टिचेस लगे हुए रहते हैं वहाँ पे भी कैलेंडुला क्रीम ही देते हैं लगाने के लिए, जिससे वो घाव जल्दी भर जाए। और आज से आपको ये भी पता रहेगा कि पहले सब सोफ्रामेसिन लगाते थे किधर भी लगाए, उसके बाद बीटाडीन का टाइम आया, और अब जो टाइम आया है वो कैलेंडुला का है। मतलब कि हर कोई कैलेंडुला लगाता है कहाँ पे भी अगर घाव लगा है तो। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा आपको निवेदन है कि अगर आप ये जो क्रीम है आपके घर पे रखोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये क्रीम छोटे बच्चे से लेके बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं सब में असर करती है। तो आप चाहे तो ये क्रीम आपके घर पे रखो और लगा सकते हो। तो दोस्तों, कैलेंडुला ये जो क्रीम है ऑइंटमेंट है, उसके रिलेटेड मैं आपको केस एक बताने वाला हूँ जो कि मेरे दोस्त को हुआ था, तो आप चाहिए तो उनसे ही सुन लो। गुड इवनिंग एवरीवन, एज यू वाज सेइंग अबाउट द कैलेंडुला ऑइंटमेंट, आई हैड गोन थ्रू एन एक्सीडेंट 1 week अगो, सो आई सफर फ्रॉम मेनी इंजरीज ऑन माय हैंड्स एंड लेग्स। सो सर अभिषेक सावलिया सर एडवाइज मी टू अप्लाई कैलेंडुला ऑइंटमेंट ऑन इट, सो फ्रॉम फर्स्ट 1 week आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर, हीलिंग टेक्स प्लेस फास्टर देन आई वाज एक्सपेक्टेड, सो इट्स गुड, यू शुड अप्लाई।